नमस्ते गाइस, राजेश है नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ मी 11 लाइट के कुछ अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स और साथ ही साथ इसके कुछ हिडन फीचर्स। बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स होने वाले हैं, ये पर जरूर ध्यान में रखिएगा कि अभी इस फोन में आपको MIUI 12.5 का अपडेट मिला नहीं है। जब मिल जाएगा तो इसमें और भी नए फीचर्स आ जाएंगे और इसकी परफॉर्मेंस और भी इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप मी 11 लाइट लेने का सोच रहे हो या ऑलरेडी ले लिया है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे यूजफुल फीचर्स पता चलेंगे इस फोन के। लेकिन सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अगर आपको स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको कुछ होम स्क्रीन रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स बता देता हूं। तो होम स्क्रीन की सेटिंग्स एक्सेस करने के लिए होम स्क्रीन के एम्प्टी एरिया पे लॉन्ग प्रेस करिएगा, नीचे सेटिंग्स जो आएगा उस पर टैप करिएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ट्रांजिशन इफेक्ट्स मिलेंगे। इन टोटल अराउंड आपका 60 ट्रांजिशन इफेक्ट्स है, 7 ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं। एंड बेसिकली ये आपको सेट करने देंगे वो एनिमेशन जो होता है जब आप होम स्क्रीन पेजेस के बीच में स्वाइप करते हो। अलग अलग है, जो आपको चाहिए, सटल चाहिए तो थोड़ा सा, जो ज़्यादा समझ में नहीं है वैसा सेट कर सकते हो, कुछ ओवर द टॉप चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। जो सेलेक्ट करना करके नीचे आप यहाँ पे डन दबा दें। होम स्क्रीन सेटिंग्स में ही आपको ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन की लेआउट को चेंज करने का। डिफॉल्ट होता है 4:6। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने 4:6 किया, आप देखो होम स्क्रीन पे मुझे सिर्फ 4 आइकन्स मिल रहे हैं एक रो में। कम है, आपको थोड़ा और ज़्यादा आइकन्स चाहिए तो आप 5:6 का लेआउट कर सकते हो। सैडली 5:6 मैक्सिमम है, इसे आप और बढ़ा नहीं सकते। फिर होम स्क्रीन सेटिंग्स में आपके पास ऑप्शन है मोर में जाके कि आप होम स्क्रीन का जो ऐप ड्रॉयर है ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड रहता है, इसे आप इनेबल कर दो। एक बार आप ऐप ड्रॉयर इनेबल कर दोगे तो आप ऐसे नीचे से ऊपर स्वाइप करोगे तो आप एक्सेस कर पाओगे। सिर्फ यही नहीं, ऐप ड्रॉयर में यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज भी मिल रहे हैं जिसमें कि जो जो एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड हैं वो अकॉर्डिंगली सॉर्टेड हैं। यहाँ पे आपको ऐप ड्रॉयर में डिफरेंट कैटेगरीज भी मिल रहे हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है उसे सॉर्ट कर देते हैं। आप कस्टम कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकते हो, तो ऐप ड्रॉयर भी हाईली कस्टमाइजेबल है। एंड नीचे यहाँ पे एक सर्च ऐप्स का भी ऑप्शन है जिसमें कि बेसिकली आप जो भी एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल किया है ना उसे सर्च कर सकते हो, ऐप ड्रॉयर सर्च एक तरह से कह सकते हो। फिर होम स्क्रीन सेटिंग्स में वापस चलते हैं तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है जो -1 स्क्रीन है इसे आप गूगल डिस्कवर की जगह ऐप वर्ल्ड कर दो। अब यहाँ पे जब मैं होम स्क्रीन, जो प्राइमरी होम स्क्रीन है उससे लेफ्ट की ओर स्वाइप करता हूँ तो मैं -1 स्क्रीन में आता हूँ जिससे कि गूगल डिस्कवर का जो पेज है वो आता है। अब अगर आपको ये गूगल डिस्कवर का पेज उतना यूजफुल नहीं लग रहा है तो आप होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाके इसे चेंज करके ऐप वॉल्ट कर सकते हो। मुझे तो भाई होम स्क्रीन पे गूगल डिस्कवर का पेज ज़्यादा यूजफुल लगता है तो मैं वो रखता हूँ, लेकिन आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे ऐप वॉल्ट को रखने का जिससे कि आप वेरियस ऐप शॉर्टकट्स, रिकमेंडेड एप्लीकेशंस, एडवांस टूल्स, क्रिकेट स्कोर्स, नोट्स, ये सब चेक कर सकते हो। फ्रेंकली ये उतना यूजफुल नहीं है, इसमें स्पैम नोटिफिकेशन टाइप ज़्यादा आते हैं। फिर होम स्क्रीन सेटिंग्स में अगर हम वापस जाएं तो यहाँ पे 2-3 और यूजफुल ऑप्शंस हैं। एक तो है सिस्टम नेविगेशन का। बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो नीचे नेविगेशन बार है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आता नेविगेशन जेस्चर्स पे जाना है तो आप यहाँ से जेस्चर्स पे स्विच कर सकते हो। जेस्चर्स पे डेफिनेटली आप MIUI 12.5 में स्विच करिएगा, क्योंकि MIUI 12.5 में जेस्चर्स को और स्मूथ बना दिया है। ऐसा नहीं कि अभी ख़राब है जेस्चर्स का इंप्लीमेंटेशन, इट्स जस्ट दैट MIUI 12.5 में ज़्यादा स्मूथ फील करते हैं यूज़ करने पे। एंड एक लर्निंग कर्व इन्वॉल्व्ड है जेस्चर्स के साथ, लेकिन एक बार जब आप इसे यूज़ करना सीख जाओगे ना तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेंगे आपको। यहाँ पे जेस्चर्स काफ़ी सिंपल हैं, आपको होम स्क्रीन पे जाना है तो ऐसे डिस्प्ले के नीचे से ऊपर स्वाइप कर दीजिए। फिर रीसेंट ऐप व्यू में जाना तो ऐसे नीचे से ऊपर स्वाइप करके अपना फिंगर आधे सेकंड बाद डिस्प्ले से हटाइए। बैक जाने का जेस्चर तो और अच्छा है एंड ये एक्चुअली 1-handed यूज़ को बहुत प्रमोट करता है। अब यहाँ पे बैक जाने के लिए मैं डिस्प्ले के लेफ्ट से भी स्वाइप कर सकता हूँ एंड चाहूँ तो राइट से भी स्वाइप कर सकता हूँ, तो आप थंब से आराम से लेफ्ट या राइट स्वाइप करके बैक जा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, एक और जो बहुत यूजफुल इंप्लीमेंटेशन है जेस्चर्स में वो है ओपन एप्लीकेशंस के बीच में इजीली स्विच करना। अब यहाँ रीसेंट ऐप में देखोगे तो ये सारे एप्लीकेशंस ओपन है। अब अगर इनके बीच में मुझे स्विच करना है तो सपोज करो कि मैंने एक एप्लीकेशन अब ओपन किया, अब मुझे बाकी ओपन एप्लीकेशंस के बीच में स्विच करना है, साइकिल करना है, तो मैं बस ऐसे स्वाइप करके स्विच कर सकता हूँ। अब ये जेस्चर आप देख सकते हो, आराम से मैं जो भी ओपन एप्लीकेशन है उनके बीच में स्विच कर सकता हूँ। ये जेस्चर एक्चुअली बोथ वेज चलता है, लेफ्ट से राइट में भी साइकिल कर सकता हूँ एंड फिर राइट से लेफ्ट भी साइकिल किया जा सकता है ओपन एप्लीकेशंस के बीच में। फिर होम स्क्रीन सेटिंग्स में वापस चलते हैं तो यहाँ पे अब आपको और दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक है आइकन साइज कस्टमाइज करने का, तो आप आइकन की जो साइज है उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। प्रॉब्लम बस ये है कि इससे आप होम स्क्रीन में जो नंबर ऑफ आइकन्स है ना उसे कम ज़्यादा नहीं कर सकते, बस जो आइकन की साइज है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी।
आइकन्स जो हैं मैक्सिमम होम स्क्रीन पे वो आप 5x6 कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद नीचे आपको रीसेंट्स ऐप व्यू रिलेटेड भी कुछ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि अरेंज आइटम इन रीसेंट्स को आप सेट कर सकते हो। अब ये देखो, ये अभी जो है मेरा रीसेंट्स ऐप व्यू, ये हॉरिजॉन्टली सारे ओपन एप्लीकेशंस को दिखा रहा है। इसे मैं रीसेंट्स ऐप सेटिंग्स में जाके चेंज करके वर्टिकली सेट कर सकता हूँ। अब अगर मैं रीसेंट्स ऐप व्यू में जाऊँ, अब देखो सारे ओपन एप्लीकेशंस वर्टिकली लिस्ट में दिखाए जा रहे हैं। तो आपके ऊपर है, आपको जैसे कस्टमाइज करके रखना है आप वैसे रख सकते हो। फिर आप चाहो तो रीसेंट्स ऐप व्यू में जो आपके फ़ोन की रैम यूजेज है उसे भी डिस्प्ले कर सकते हो। अब यहाँ पे शो मेमोरी स्टेटस को मैंने इनेबल कर दिया। अब जब मैं रीसेंट्स ऐप व्यू में जाऊँगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरे फ़ोन का रैम यूजेज है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसके बाद रीसेंट्स ऐप व्यू में आप देख सकते हो कि ऊपर यहाँ पे सजेशंस भी है, क्लीनर, सिक्योरिटी स्कैन, फाइंड ऐप्स, मैनेज ऐप्स। फ्रैंकली ये उतना यूजफुल लगता नहीं मुझे, तो इसे आप डिसेबल कर सकते हो। अगेन होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाना, रीसेंट सेटिंग्स में यहाँ पे आपको दिखेगा लास्ट में ऑप्शन शो सजेशंस का, इसे डिसेबल कर देना। बस प्रॉब्लम यह है कि डिसेबल तो ये हो गया, लेकिन आप देख सकते हो कि एरिया ब्लैंक है, यहाँ पर रीसेंट्स ऐप बाकी एप्लीकेशंस के कार्ड नहीं आ रहे, तो बेसिकली एक तरफ से वेस्टेड स्पेस ही है। लास्टली रीसेंट्स ऐप व्यू में आप देखोगे कि जो भी ओपन एप्लीकेशंस है ना, सबकी जो प्रीव्यू है उससे मुझे उसके कंटेंट दिख रही है। प्राइवेसी रिस्क है, हो सकता है मुझे किसी सेंसिटिव एप्लीकेशन में नहीं चाहिए कि ये सब दिखे, तो इसके लिए अगेन होम स्क्रीन सेटिंग्स, फिर रीसेंट्स के सेटिंग्स में जाना, यहाँ पे ब्लर ऐप प्रीव्यूज दिखेगा। अब जिस भी एप्लीकेशन की प्रीव्यू को आपको ब्लर करना है, बस इसे सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे मैं कैमरा और क्रोम की जो प्रीव्यू उसे ब्लर करता हूँ। अब देखो कैमरा और क्रोम की जो प्रीव्यू उसमें ब्लर्ड है, तो मुझे दिख नहीं रहा कि इन एप्लीकेशन में एक्चुअली क्या इनकी कंटेंट है रीसेंट्स ऐप व्यू से, उसके लिए मुझे ओपन ही करना पड़ रहा है। तो ये हो गई कुछ होम स्क्रीन रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स। अब मैं आपको लॉक स्क्रीन रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं। तो उसके लिए सेटिंग्स में जाइएगा, यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लॉक स्क्रीन मिलेगा। अब मी 11 लाइट में आपको मिल तो रहा है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, बट यहाँ पे कैच ये है ना कि ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही इनेबल रहता है, 10 सेकंड से ज़्यादा ये इनेबल नहीं रहता। तो इट्स नॉट टेक्निकली ट्रू ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। एनीवेज ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का बहुत कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको मिल रहा है मी 11 लाइट में। आप अलग अलग तरह के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले थीम सेट कर सकते हैं। अच्छी बात ये ना कि ये एनिमेटेड थीम्स हैं, तो ये एक्चुअली दिखने में बहुत अच्छे हैं। सिर्फ यही नहीं, आप सेट कर सकते हो कि क्या आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में बैटरी की जो स्टेटस है वो देखनी है कि नहीं देखनी है, नोटिफिकेशन आइकन्स आपको देखने कि नहीं देखने हैं, तो आप इन्हें कस्टमाइज कर सकते हो। प्लस आप अपना कस्टम इमेज डाल सकते हो, कस्टम कलर सेट कर सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए, क्लॉक के पोजिशन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, उसे ऑल टुगेदर हाइट कर सकते हो। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड इन डेप्थ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में आपको और कुछ यूजफुल ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक तो है रेज टू वेक और डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन के जेस्चर्स। फॉर सम रीजन ये डिसेबल्ड है, इन्हें इनेबल कर लेना। अब ये दोनों ही जेस्चर्स एक तरह से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। यहाँ पर मेरे मी 11 लाइट की डिस्प्ले ऑफ है, डबल टैप करूंगा तो मैं डिस्प्ले को वेकअप कर सकता हूँ, एंड ठीक इसी तरह डबल टैप करके मैं डिस्प्ले को ऑफ कर सकता हूँ। एंड क्योंकि रेज टू वेक जेस्चर भी इनेबल्ड है, तो जैसे ही मैं फोन पिक करूंगा, आप देखोगे कि डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिल रहा है कि जो डिस्प्ले की टाइम आउट है उसे सेट कर सको। ये स्लीप आप देख सकते हो 30 सेकंड सेट के हुआ, इसे आप बढ़ा के 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट्स, अप टू 10 मिनट्स कर सकते हो, या कम करके 15 सेकंड्स कर सकते हो। अजीब बात यह है कि जनरली डिस्प्ले टाइम आउट की सेटिंग्स जो है ये आपका होता है डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर, बट यहाँ पे फॉर सम रीजन ये लॉक स्क्रीन सेटिंग्स के अंदर दिया हुआ है। लास्टली आप ग्लांस फॉर मी करके एक ऑप्शन है, इसे तो डेफिनेटली आप डिसेबल रखो भाई। इसमें क्या होता है ना कि अब देखो यहाँ पे मैंने अपना मी 11 लाइट लॉक किया, फिर आप लॉक स्क्रीन देखोगे एक वॉलपेपर है, फिर वापस अनलॉक किया फिर दूसरा वॉलपेपर, फिर तीसरा वॉलपेपर, अब ऐसे करके, एंड प्लस जो वॉलपेपर रहता है उसके साथ कुछ रिलेटेड न्यूज़ रहती है नीचे। ये मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है, मेरे ये किसी काम का नहीं है। इसे ग्लांस फॉर मी फीचर बोलते हैं, इसे आप डिसेबल कर सकते हो, या आप चाहो तो इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, डिफरेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे बस इसी कैटेगरीज के वॉलपेपर्स चाहिए अपने लॉक स्क्रीन पे, गैलरी के फोटोज़ ऐड कर सकते हो। तो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी हैं इन केस आपको ये फीचर पसंद आता है। तो लॉक स्क्रीन की जो क्लॉक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो लॉक स्क्रीन का क्लॉक है, आप इसे भी एक्चुअली कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट में आप जाना, 4-5 ऑप्शंस हैं क्लॉक के, अलग अलग स्टाइल हैं, जो आप चाहो सेट कर दो। एंड लॉक स्क्रीन ओनर इन्फो में आप जाके अपना नाम या नंबर डाल सकते हो, ताकि इनकेस कभी आप अपना फ़ोन गुम कर दो तो कोई भी आपके लॉक स्क्रीन से देख के आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाए और वो आपको फ़ोन कर पाए। अब लॉक स्क्रीन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, होम स्क्रीन और रीसेंट्स के तो आपको मैंने सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस और टिप्स ट्रिक्स बता दिए।
अब आपको कुछ सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे कुछ यूजफुल फीचर्स हैं उनके बारे में बताता हूँ। यहाँ बटन शॉर्टकट्स आपको दिखेगा। इसमें बेसिकली जो कुछ डिफरेंट यूजफुल सिस्टम फीचर्स होते हैं उनके आप एक शॉर्टकट सेट कर सकते हो। जैसे कि डिफॉल्ट मी 11 लाइट में कोई शॉर्टकट नहीं है कैमरा ऐप को ओपन करने का। अब यहाँ पे मैंने सेट कर दिया डबल प्रेस पावर बटन को एज अ कैमरा ऐप का शॉर्टकट। तो जब भी मैं पावर बटन को डबल प्रेस करूँगा आप देखो कैमरा ऐप ओपन हो जाएगा। एडवांटेज ये है इस शॉर्टकट की कि ये कहीं से भी काम करेगा। इवन इफ मैं दूसरे एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ या फ़ोन अगर मेरा लॉक है तो ये बेसिकली सिस्टम वाइड शॉर्टकट है। ठीक इसी तरह स्क्रीनशॉट लेने का भी यहाँ पे एक जेस्चर है। 3 फिंगर ऐसे स्वाइप डाउन करूँगा तो ऑटोमेटिकली एक स्क्रीनशॉट ले लेगा। सिर्फ यही नहीं पार्शियल स्क्रीनशॉट लेने का भी यहाँ पे ऑप्शन है। उसके लिए प्रेस एंड होल्ड 3 फिंगर्स आपको करना होगा। तो यहाँ पे मैं 3 फिंगर को ऐसे रख के होल्ड करता हूँ डिस्प्ले में। अब देखो ये स्क्रीनशॉट एडिटर जो है ओपन हो गया। अब मुझे स्क्रीन के जिस भी एरिया को कैप्चर करना है बस वहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे मैं ऐसे एक ड्रॉ कर दिया है तो देखो ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट एडिटर ने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मुझे इस एरिया का स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है। मेरे पास ऑप्शन है इसे सेव करने का, एडिट करने का, शेयर करने का, या मैं स्टार्ट ओवर भी कर सकता हूँ। एंड डिफरेंट तरह के पैटर्न्स हैं जो मैं स्क्रीनशॉट के लिए सेट कर सकता हूँ। स्क्रीनशॉट रिलेटेड और टिप भी बता देता हूँ। अब जैसे ये लिस्ट लंबी है अब मुझे इसे पूरा कैप्चर करना है तो पहले मैं एक रेगुलर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे स्क्रॉल का ऑप्शन है, इसे जब मैं दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली फोन स्क्रॉल करके एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट जो बोलते हैं वो ले लेगा। एंड इसके बाद मेरे पास ऑप्शन है इस पर डूडल करने का, इस पर टेक्स्ट ऐड करने का, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करने का, या मैं इसे डायरेक्टली शेयर भी कर सकता हूँ या सेव कर सकता हूँ या डिलीट कर सकता हूँ जो मेरा मन। अब बटन शॉर्टकट्स में आपको और भी शॉर्टकट्स मिल रहे हैं सेट करने के लिए। जैसे गूगल असिस्टेंट के लिए मैं सेट कर सकता हूँ कि लॉन्ग प्रेस करूँ होम बटन को तो ऑटोमेटिकली गूगल असिस्टेंट ट्रिगर हो जाए। स्क्रीन ऑफ करने के लिए मैं एक शॉर्टकट सेट कर सकता हूँ। टॉर्च ऑन करने के लिए मैं एक शॉर्टकट सेट कर सकता हूँ। स्प्लिट स्क्रीन ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट सेट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। वैसे तो मी 11 लाइट काफ़ी कॉम्पैक्ट फ़ोन है लेकिन अगर आपको बड़ा लगता है तो इसमें आपको एक 100 मोड भी मिल रहा है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। एंड इजीली फ़ोन की जो फिर UI है ना पूरा एक साइड डिस्प्ले के से लेफ्ट या राइट साइड श्रिंक हो जाती है जिससे कि आप इसे ईजिली फिर यूज़ कर पाओ। अब ये कैसे चलता है यहाँ पे एक लिमिटेशन है पहले तो ये कि अगर आप जेस्चर्स यूज़ कर रहे हो जैसे कि यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ तो फिर आप क्विक हैंड मोड को शॉर्टकट के थ्रू इनेबल नहीं कर सकते। अगर आप एक बार जेस्चर डिसेबल कर देते हो तब फिर आप आराम से 100 मोड ट्रिगर कर सकते हो। होम बटन से बस आपको ऐसे लेफ्ट या राइट स्वाइप करना है। प्रेस मत करिएगा बस लेफ्ट या राइट स्वाइप करिएगा एंड देखो स्क्रीन जो है ऑटोमेटिकली उस साइड श्रिंक हो जाता है। फिर आप इसे आराम से 100 मोड में यूज़ कर सकते हो। जब आपको 100 मोड से एग्जिट करना है बस एम्प्टी एरिया पे ऐसे टैप कर दो। अब क्विक बॉल फीचर क्या है? वेल ये MIUI 12 में जो है इससे बेसिकली छोटा सा क्विक बॉल, देखो यहाँ पे एक एरो है ना इसे मैं जब टैप करूंगा तो कुछ यूजफुल ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ क्या क्या शॉर्टकट्स मुझे चाहिए। लॉक करने का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है। सिलेक्ट शॉर्टकट्स में आप जाओ तो देखो होम मेन्यू लॉक स्क्रीनशॉट बैक ये सारे शॉर्टकट्स मैंने क्विक बॉल में सेट करके रखे हैं। क्विक बॉल को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, इसे आप ड्रैग ड्रॉप करके डिस्प्ले के अलग अलग साइड में ले जा सकते हैं। चाहे तो लॉक स्क्रीन पर भी सेट कर सकते हैं कि लॉक स्क्रीन पर विजिबल हो। अलग अलग शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हैं, जेस्चर सेट कर सकते हैं कि स्वाइप से ही ट्रिगर हो जाए कि टैप करना पड़े। अगर आप पावर यूज़र हो तो आपको डेफिनेटली क्विक बॉल को ट्राई करना चाहिए क्योंकि आप इसे फिर एक्चुअली बहुत यूज़फुल ऑप्शंस जल्दी ट्रिगर कर पाओगे। एक प्राइवेसी रिलेटेड ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। सेटिंग्स में स्क्रॉल करिएगा नीचे प्राइवेसी में, यहाँ परमिशन मैनेजर होगा इसमें जाइएगा। बेसिकली आजकल एंड्रॉयड एप्लीकेशन का कोई भरोसा नहीं है, आपकी कब डेटा कहाँ से चुराएं आपको पता नहीं चले। तो बेसिकली ये परमिशन मैनेजर के थ्रू आपको पता चलेगा कि एक जो जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड हैं अब उनमें से कितनों को किन किन परमिशन की ज़रूरत है। अब सपोज कैलेंडर, टोटल मेरे फ़ोन में अभी ऐसे 5 एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं जिन्हें कैलेंडर परमिशन की ज़रूरत है लेकिन सिर्फ 3 को ही मैंने ऑथोराइज किया है। क्या क्या है? कैलेंडर, जीमेल, गूगल। अब फेसबुक और गेट ऐप्स यहाँ पे इन्हें मेरे कैलेंडर का परमिशन नहीं है। ठीक इसी तरह अब मुझे नहीं चाहिए कि भाई जीमेल को मेरे कैलेंडर का परमिशन का एक्सेस रहे तो इसे मैं यहाँ से डिनाई कर सकता हूँ। फाइल्स एंड मीडिया, बेसिकली इससे जो इंटरनल स्टोरेज जो है आपके फ़ोन का उसका एक्सेस आप डिसाइड कर सकते हो कि किसे मिले किसे नहीं मिले। तो ये बहुत ही कस्टमाइजेबल है। डेफिनेटली से एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा परमिशन मैनेजर को ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से एप्लीकेशंस को कौन कौन से परमिशंस का एक्सेस है आपके फ़ोन में। अब आपको कुछ कैमरा रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स बता देता हूँ। तो कैमरा आप ओपन करिएगा मी 11 लाइट में एंड प्रो मोड में जाइएगा। ये बहुत ही सॉलिड प्रो मोड है, नॉर्मल प्रो मोड समझने की इसे गलती मत करिएगा। शटर स्पीड और ISO तो आप कस्टमाइज़ कर ही सकते हो बट ये सिर्फ आप प्राइमरी कैमरा के लिए नहीं, आप लेंस में जाके अल्ट्रा वाइड और मैक्रो कैमरा भी सेट कर सकते हो और फिर उनकी भी शटर स्पीड और ISO को कंट्रोल कर सकते हो। एंड दैट्स नॉट इट,
यहाँ कैमरा ऐप की सेटिंग्स में जाना, आपके पास यहाँ ऑप्शन है रॉ में फोटो कैप्चर करने का, फिर आप फोकस पीकिंग और एक्सपोजर वेरिफिकेशन भी इनेबल कर सकते हो। तो जैसा मैंने कहा, ये बहुत ही डिटेल्ड प्रो मोड है एंड अभी ख़त्म नहीं हुआ। इस प्रो मोड में आपको एक वीडियो मोड भी मिल रहा है, तो आप एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम भी ISO, शटर स्पीड सब कंट्रोल कर सकते हो। एंड अगेन, सिर्फ प्राइमरी कैमरा नहीं, अल्ट्रा वाइड और मैक्रो कैमरा के लिए भी है। एंड जैसा आप देख सकते हो, वीडियो मोड में जब मैंने स्विच किया तो यहाँ पे आ गया एक माइक्रोफोन का आइकन, जिससे मुझे पता चल रहा है कि मेरी माइक्रोफोन की जो रिकॉर्डिंग की इंटेंसिटी है वो कितनी है। एंड इस प्रो वीडियो मोड में आप एक्चुअली 4K 30fps तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ भी आपके पास फोकस पीकिंग और एक्सपोजर वेरिफिकेशन का ऑप्शन है एंड लॉग का भी ऑप्शन है, तो आप लॉग मोड में भी यहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। तो जैसा मैंने कहा, ये प्रो मोड भैया नॉर्मल प्रो मोड नहीं है, बहुत ऑप्शंस हैं यहाँ पे। वैसे तो Mi 11 Lite में जो MIUI का एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है काफ़ी क्लीन है। आप देख सकते हो इसमें ज़्यादा कुछ एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड आते नहीं, ब्लोटवेयर तो बहुत ही कम है, नोटिफिकेशंस, स्पैम नोटिफिकेशंस पहले से बहुत कम हो गया। आप देख लो, इतने दिन से मेरे फ़ोन में ये सारे नोटिफिकेशंस हैं, इसमें स्पैम नोटिफिकेशन करके ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सब मामलों में ये फ़ोन एक्चुअली काफ़ी इंप्रूव किया है। हाँ, कुछ कुछ एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल्ड आते हैं जो शायद सबके काम में ना आए, जैसे कि प्राइम वीडियो, फेसबुक, गेट ऐप्स को तो वेल आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो, लेकिन मोस्टली और जो है उन्हें आप कर सकते हो। जैसे प्राइम वीडियो मुझे नहीं चाहिए तो इसे मैं अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, फेसबुक मैं यूज़ नहीं करता हूँ तो इसे भी मैं चाहूँ तो अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक इसी तरह अमेज़ॉन को भी अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन है, बट अगेन कुछ कुछ जो Xiaomi के ही एप्लीकेशन है जैसे कि मी पे, उसे मैं चाह के अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। बट अगेन कुछ कुछ Xiaomi के एप्लीकेशन है जैसे कि मी पे, इसे मैं अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। एंड यहाँ तक कि फोर स्टॉप करने का भी ऑप्शन नहीं है। नॉनदरलेस एक्सपीरियंस काफ़ी क्लीन है, तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको Mi 11 Lite में स्पैम नोटिफिकेशन या ब्लोटवेयर को लेकर। MIUI 12 में आपको एक नया कंट्रोल सेंटर भी मिल रहा है ऐसा। अब ये बाय डिफॉल्ट एक्चुअली इनेबल्ड नहीं रहता है, अब इसे आपको इनेबल करना है तो सेटिंग्स में जाइएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, नीचे आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर स्टाइल दिखेगा। आप चाहो तो ओल्ड वर्जन कर सकते हो, फिर आपका ऐसा क्विक सेटिंग्स पैनल आएगा, या फिर आप न्यू वर्जन करोगे तो ऐसा आएगा। अब ये नए वाले को लेकिन एक्सेस करने के लिए आपको डिस्प्ले के राइट साइड से ही स्वाइप करना होगा। लेफ्ट साइड से स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन सेट, राइट साइड से स्वाइप करोगे तो आपका कंट्रोल सेंटर। एंड इस कंट्रोल सेंटर में एक्चुअली आप लॉन्ग प्रेस कर सकते हो टाइल्स पे एडिशनल सेटिंग्स एक्सेस करने के लिए। जैसे मैंने ब्लूटूथ पे लॉन्ग प्रेस किया तो ब्लूटूथ की मेन्यू खुल गई, ठीक इसी तरह वाईफाई पे लॉन्ग प्रेस करूंगा तो वाईफाई की मेन्यू खुल जाती है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको Mi 11 Lite के कुछ यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स और हिडन फीचर्स के बारे में पता चला हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।